हेलो यूट्यूब, कैसे हो भाई? सबसे पहले तो बालों पे मत जाना, ठीक है? छुट्टी का दिन ना, आराम से उठे हैं और बाइक पे काम कर रहे हैं, सो बालों पे मत जाना, कमेंट मत करना यार प्लीज़। सो के उठे हैं, सीधे काम पे लगते हैं, एक ही दिन होता हमारे पास संडे। सो चलिए, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सांस फूल रही है यार, काम कर रहे थे, वीडियो लेट की शुरू बनाने। तो हेडिंग से आपको पता चल ही होगा क्या वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको और फिर देन आपको समझाता हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो स्विंगम है ये है 190 नंबर टायर के लिए, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और गाइस, जो बंदे तो बनाते हैं वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, उनको तो पता होगा सब। जो नहीं बनाते वो ट्राई भी मत करना। मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कितना डिस्टेंस यहाँ से है या कैसे मोड़ना कैसे, क्योंकि इसमें हल्की सी गलती भी इनका सत्यानाश कर देगी। सो आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है? और अगर आपको लेना है तो आप दिल्ली से करोलबाग से आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके पता कीजिए, आपको ये अब ईज़िली स्विंग आर्म अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले भाई गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो बाइक है जिस पे हम अभी काम करेंगे, ये मेरे भाई की बाइक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वीडियो के लिए इस पर काम कर रहे हैं और ना कि किसी कस्टमर की ये पकड़ के कस्टम कर रहे हैं, ठीक है? सो कस्टमाइज बाइक मत करवाइए, यही सबसे बेटर है। स्टॉक बाइक चलाइए, हम सिर्फ यूट्यूब के लिए काम करते हैं। मैं हर वीडियो में ये स्पेशली बोलता हूँ, सो आप भी मत ट्राई करिए। तो चलिए, अगर किसी ने करना है अपनी विश तो ये करोलबाग से ले आइए। और उसके बाद क्या किया हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो हमने बोल्ट वेल्ड किए हुए हैं ताकि यहाँ पे साइड नंबर प्लेट आ जाए। यहाँ पे डिस्क की फिटिंग के लिए ये बनाया गया, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअल में ये मेरे पास पुराना ही पड़ा है स्विंग आर्म, ठीक है? और इसी को हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि हर चीज़ बनाते बनाते एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो में हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनानी होती है, इतनी ज़्यादा लंबी कोई देखता नहीं है। सो उसके अंदर इतना मोटिव होता है कि क्लियर कर सके मैक्सिमम से मैक्सिमम। सो स्विंग आर्म लीजिए, वहाँ पर आपको डिस्क फिटिंग की ऑप्शन मिल जाएगा बने बनाए में। साइड नंबर प्लेट आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हो। ये पत्तियाँ जो हमने बनाई है ये मोनो शॉकर के लिए बनाई है, हम साइड शॉकर नहीं लगा रहे, हम मोनो शॉकर लगाएंगे। तो ये बनाया है, तो जल्दी से ये दो मोनो शॉकर हैं हमारे पास, इनको फिट करते हैं। ये ऐसे आएंगे, ऐसे फिटिंग होगी इनकी बीच में इस टाइप से। अभी फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। और दोनों आएंगे और ये चैसी के साथ ऊपर है, यहाँ से अटैच हो जाएंगे। चलिए जल्दी से इसको फिट करते हैं और देन आपको 190 नंबर टायर इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे होता है। चलिए, आप देख सकते हो दोनों मोनो शॉकर ऐसे फिट हो गए हैं, इसमें हो गया। अभी इसको चैसी के साथ अटैच करेंगे। चलिए इसको उठाते हैं, ये बाइक हमारी, इसमें आपको लगा के दिखाते हैं, देन 190 नंबर टायर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। बड़ा इजी, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, जिन बंदों को ये चीज़ बनानी नहीं आती, जो बनाते हैं वो तो ये काम भी जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी जानते तो इससे आइडिया हो जाएगा। जब कोई बाहर से मंगवा के कर रहा है तो आइडिया हो जाएगा उनको, ठीक है? और जो नहीं कर पाते, जो खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करें, वो भाई मत करना ट्राई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइक की। सो अगर आप बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ भी है, तो एक बार एक ये दिल्ली से परचेज़ कर लो आप, तो आराम से आपको मिल जाएगा वहाँ से। सो फिर ही आप ट्राई करना, ठीक है? चलिए इसको बाइक पे फिट करते हैं हमें। चलिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, 190 नंबर फिट करने के लिए जैसे ये बुलेट है, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बुलेट को यहाँ से जैसे हमने काटा और ये थोड़ा ब्रॉड किया हमने, ये देखा आपने, सिर्फ ये ब्रॉड किया है ताकि 190 नंबर टायर के लिए जो स्विंग आर्म है वो ईजिली फिट हो जाए इसमें। अगर आप ब्रॉड नहीं करोगे तो वो फिट नहीं हो पाएगा, तो आपको ये ब्रॉड करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये देखा आपने, सिर्फ यहाँ से ब्रॉड किया है, बाकी वैसे ही एज इट इज़ बुलेट की जैसी है, उसको ब्रॉड किया है बस हल्का सा हमने, और कुछ नहीं किया। चलिए इसको जल्दी से हम फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, फिट करके 190 नंबर टायर लगा के दिखाते हैं। चलिए, सो गाइस, इसको आराम से जब हम इसको ब्रॉड कर देंगे तो ये स्विंग आर्म आराम से उसमें अंदर चला जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, बाई करिए जरा, आप देखना बिल्कुल आराम से स्विंग आर्म अंदर जा रहा है, ये देखिए कितने आराम से जा रहा है। सो इतनी कोई झंझट वाला काम नहीं है, तो आराम से चला जाएगा। और चलिए इसको मैं पहले, आप बीच में इसमें एक्सल डालेंगे, एक्सल डाल के हम इसको फिट करके आपको दिखाते हैं फिर। चलिए,
सो गाइस, स्विंग आर्म फिट करने से पहले सबसे पहले आपको मोनो शॉकर फिट करने, उससे क्या होगा स्विंग आर्म का एक बैलेंस बन जाएगा, हिलेगा नहीं इधर उधर। सो मोनो शॉकर हमने फिट करना, मोनो शॉकर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक जुगाड़ किया हुआ है यहाँ पे वेल्डिंग करके, और डब्बी सी बनाई है जिसके दोनों साइड बोल्ट लग जाएंगे, एल की हम लगा रहे हैं ठीक है, और इससे मोनो शॉकर फिट हो जाएंगे। अभी आराम से इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे और इस साइड यहाँ पे आराम से इसका एक्सल फिट करेंगे। चलिए जल्दी से इसको करके आपको दिखाता हूँ मैं। पहले मोनो शॉकर फिट किए, फिर स्विंग आर्म हमने सेंटर में लेके, ये देखिए एल की यहाँ पे एक्सल में हमने लगा दी, इस साइड भी और इस साइड भी आप देखिए ठीक है। और इनको अब अच्छे से टाइट कर देना है, और ये जितनी भी वायर हैं यहाँ पे हम लॉक वाली वो वायर लेके उनके इसको अटैच कर देंगे। सो इसको अच्छे से अटैच करने के बाद अभी हम इसमें टायर फिट करेंगे, जो कि ये है 190 नंबर अलॉय के साथ है। सो इसको फिट करेंगे, अभी इसको फिट करके मैं आपको पूरी फिटिंग दिखाता हूँ कैसे फिट हो रहा है, क्या है क्या नहीं, और कैसा लग रहा है। चलिए जल्दी से इसको फिट करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये 190 टायर आप देख सकते हो इंस्टॉल हो गया, वही स्विंग आर्म जो हमने आपको बताया था, ये एक्सल बीच में डाल दिया, स्पेस आप देख सकते हो प्रॉपर बनी हुई है टायर और चेन के बीच में, और बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ जाएगी। और ये देखिए बस अलाइनमेंट का काम रह गया, वो यहाँ से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सो इस तरह से आप 190 टायर इंस्टॉल कर सकते हैं एक बुलेट में, रॉयल एनफील्ड में, जो सबसे सेफ और बढ़िया तरीका है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। ये बाइक बड़ी अच्छी बनने वाली है, इसकी वीडियो आएंगी अब, सो बने रहना यूट्यूब में मेरे साथ, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सो चलिए चलते हैं, अभी आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।